यार इससे बड़ी ईदी हम मांग भी नहीं सकते, मांग नहीं सकते। मतलब माशाल्लाह जो जो प्यार मिला है, जो ऑडियंस का प्यार मिला है, और अगर आप थिएटर में जाके देखें तो हमें भी खुशी होती है। और जब ये कहा गया कि आप लोग, आप सबके साथ, मतलब जो आप मीडिया वाले हैं उनके साथ और आपके ज़रिए जो ऑडियंस है, अगर उनको हम उनके साथ ईद, ये ईद मना पाए, इससे बड़ी खुशी है हमें हमें नहीं मिल सकती। जो हमको अब तक जो एक कमेंट या प्यार मिला है वो यही मिला है कि इट्स अ फैमिली फिल्म, और लोग खुश होते हैं फिल्म देखने के बाद। जैसे क्या, जब मैं और अरबाज भाई कॉमेडी सर्कस किया करते थे तो हमें बहुत से एयरपोर्ट्स पे या जहाँ हम ट्रैवल करते थे तो फैमिलीज आते थे, औरतें आती थी, माएँ बहनें लोग आते थे और कहते थे कि यार जो भी हम दिन में जो भी हमारा स्ट्रेस होता है या टेंशन होता है, हम जब कॉमेडी सर्कस देखते हैं या ये जो कॉमेडी नाइट कपल देखते हैं तो एक खुशी होती है, एक रिलीफ होती है, हमको एक हंसने का मौका मिलता है, हम अपनी फैमिली के साथ देखते हैं और जो भी हमारे दिन के टेंशन है वो सब मिट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी अटेम्प्ट है जो हमने कोशिश की है कि आप आओ देखो, एक लाइट फिल्म है, एक स्पोर्ट्स फिल्म है, इंस्पिरेशनल फिल्म है, हंसी मजाक वाली फिल्म है, क्या आपको टेंशन फ्री है, जोक्स बढ़िया है, परफॉर्मेंसेस बढ़िया है, कि आपको अच्छा लगेगा अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाके देखें। एग्जैक्टली जी, नहीं, अगर मैं कहूँगा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो वो गलत बात होगी। जो भी फर्स्ट एक कलेक्शन से लेके जो एक कलेक्शन जो बड़ी है, जो परसेंटेज बढ़ा है, जैसे कि आप फर्स्ट डे जो हमारा था, सेकंड डे हमारा 30% बढ़ा और थर्ड डे हमारा 70% बढ़ा, तो ये यही इंडिकेट करता है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और लोग जा रहे फिल्म देखने के लिए। एज अ फिल्म मेकर उससे और कोई बड़ी बात नहीं होती, मतलब कलेक्शन एक ऐसी चीज़ है और लोगों को पसंद आना, दे आई थिंक दे वर्क इन हैंड इन ग्लव। सो अ फिल्म लाइक दिस, नवाज़ भाई है, मैं हूँ, अरबाज भाई है, जो भी इस फिल्म के साथ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, इसलिए लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। नहीं भाई, तो मनाली में ना, अनफॉर्चुनेटली भाई ट्यूबलाइट की शूटिंग करें मनाली में, अगर इनफैक्ट जो आपने बात छेड़ी है, जो ईद जो है वो पूरी फैमिली के साथ बनाई जाती है और हम आपके साथ खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे, गैलेक्सी जाएंगे, डैडी को जाके मिलेंगे, और तो यस, बट अनफॉर्चुनेटली इज इन मनाली। या ऑफकोर्स यार, अगर एक फ्रीकी अली एक हमारे लिए एक ब्रांड बन गया हमारे प्रोडक्शन के लिए और हमारी कहानी तो डेवलप हो रही है, तो इंशाल्लाह सून एक बार कहानी डेवलप हो जाए और हम सब सेटिस्फाई हो जाए कि अब हमको ये भी बनानी है, बिकॉज जो एक रिस्पांस फ्रीकी अली से मिला है हमको उससे आगे ही जाना पड़ेगा। फ्रीकी अली टू इंशाल्लाह। And I think it's a personal experience. I think everyone has his own personal experiences. आज अगर मतलब मैं कपिल को सालों से जानता हूँ and I think he's one of the nicest and sweetest people I've ever met in my life. तो अगर किस चीज़ से अगर कपिल ने, मैं एक्चुअली टेक्निकली जानता नहीं हूँ क्या हो गया। हम तो और सवाल पूछना चाहते हैं ये मना करके, तो वो कि इसके बाद कौन कौन से काम आप शुरू करेंगे, काम उतर जाएगी, इसके नवाज आप कौन सी फिल्म में काम करेंगे, सोहेल आप, और आप बस ये अब तो कुछ सोचा तो है नहीं, लेकिन दो स्क्रिप्ट पे काम चल रही है, एक है माय पंजाबी निकाह और दूसरी है शेर खान। तो एक बार वो स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए, एक बार मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ क्या स्क्रिप्ट पे अच्छा काम हो चुका है, फिर उसको प्रैक्टिकली कैसे आगे बढ़ाएंगे, और
सोचेंगे क्या किस कोई जो एक्टर उस कैरेक्टर में फिट होता है, लेकिन ये अभी थोड़ा प्रोसेस होगा, अभी तो सिर्फ ये दोनों स्क्रिप्टों पे काम चल रही है। अरे यार मैं मुझे रणवीर सिंह मिला जिम में। अच्छा हाँ, तो ये कुछ इन्होंने कुछ नॉमिनेट किया था रणवीर सिंह को, तो मुझे रणवीर मेरा जिम के अंदर, तो बोला क्या है यार, क्या यार नवाज भाई ने फंसा दिया है यार इस चक्कर के अंदर, मैं नहीं करने वाला ऐसा। नहीं नहीं वो तो क्योंकि हमने जेन्युइनली सोचा था कि आप एक्चुअली वी थॉट दैट रणवीर इज द ओनली किड हुज गॉट सो मच ऑफ एनर्जी एंड सो मच ऑफ जेस्ट यू नो दैट ही कुड टेक ऑन द चैलेंज, बट ही सेड दैट नहीं यार वो नवाज भाई फर्स्ट क्लास क्या है, मैं नहीं करना चाहता वो तो नवाज भाई, दैट्स अ डन डन, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है भाई। आई सेड आई जस्ट दैट नवाज भाई थिंक्स यू टू बी वेरी टैलेंटेड एंड सेड दैट वन ऑफ द इन द न्यू एज दैट इफ एनीबडी कैन यू नो रिमेंबर पुल इट ऑफ, बिकॉज किसी के पास तो वो सीन है नहीं जो जैसे नवाज भाई के पास है, तो वो थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। बट अपेरेंटली देयर इज अ किड ऑन यूट्यूब, सलमान भाई ने उनको एक बच्चे को डाला है पूरा एज, वो उसने सिर्फ दो तीन बार देख के हाँ उसने फटाफट बोल दिया या 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 हाँ उसने किया है।